मैं बता दूं, ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, यही है द लायन रॉक सिगिरिया। देख लो, ये नेचुरल फाउंटेन है। अभी हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर से, ऊपर तक जाना है भाई साहब। तो आप कमेंट करके बताओ आपको ये किसका पाँव लग रहा है। पाँव मतलब वही PAW, आप सर्च कर लेना, फुट जिसको बोलते हैं। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग टॉप पे तो आ गए हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और यहाँ जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो मेरा आज का वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। भाई साहब, ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब बोल सकता हूँ आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ ना, वो श्रीलंका का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। काफी लोग वहाँ जाते हैं, काफी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, काफी सारे बाहर के लोग भी, मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, सिगिरिया द लायन रॉक्स जरूर जाते हैं। हाँ जी, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको बोला जाता है द लायन रॉक्स सिगिरिया। बाकी वो जो रॉक्स है ना, माना जाता है एक टाइम में वो रावण का सोने का लंका था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम लोग सिगिरिया आ गए थे बाई कार, हम लोगों ने कार बुक कर लिया है। फिलहाल देख लो, हम लोग इसी होटल में चेक इन कर लिए थे, कुछ ऐसा होटल है अपना। सुबह तो और भी कमाल का लग रहा है, और हाँ अभी सुबह उठकर रेडी हो गया हूँ मैं। बाकी नजारा देख लो, काफी बढ़िया लग रहा है। चलो जाते हैं बाहर फटाफट, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे हमारे लिए अच्छा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। बाकी तो फिर अपना काम है, मेहनत करने का करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग सपोर्ट भी दिखाते रहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो देखो सुबह सुबह इनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है, और लगभग अभी 7 बज रहा है, तो कुछ हमें खाने का मन नहीं था। तो ये देख लो, हम लोग फ्रूट्स लेकर आ गए हैं। ये भी फ्रूट्स ले लिए, मैं भी फ्रूट्स ले लिया हूँ, तो फटाफट इसको खा के भागना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना कार आ चुका है, वो अपना कार है देख लो। हाँ जी, तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं, और सोचे थे जल्दी हो जाएगा ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स खाने लगे और फ्रूट्स पसंद आने लगा, और दबा के खा लिए, क्योंकि हमें पता है जब तक हम लोग आएंगे ब्रेकफास्ट हो जाएगा खत्म, और ऑलरेडी हमारे रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो पैसा हो जाएगा वेस्ट। इंडियन है भाई, हम लोग खाना और पैसा किसी चीज को वेस्ट नहीं कर सकते। योर नेम ब्रदर? रनुष। रनुष का नाम बहुत अच्छा है आपका, योर नेम इज वेरी गुड। चलो जी, अभी हम लोग निकल चुके हैं सिगिरिया रॉक्स के लिए, मतलब द लायन रॉक्स के लिए। आप बोल सकते हो हम लोग निकल चुके हैं अभी रावण के गोल्डन पैलेस के लिए। फिलहाल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या टिकट का प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल देख लो कुछ ऐसा रोड्स है अभी। ऑलराइट, तो देख लो ये यहाँ का एंट्रेंस है, और यहाँ के बारे में बहुत सारा हिस्ट्री है जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, यहाँ के लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं और हम लोग किस चीज पे बिलीव करते हैं। फाइनली लग रहा है हम लोग पहुंच चुके हैं, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द लायन रॉक सिगिरिया। अभी जाते हैं अंदर, अंदर का क्या प्रोसेस है सब कुछ आपको बताते हैं। अभी देखते हैं हमको कितना वॉक करना पड़ेगा, और ऐसा ना आपको श्रीलंका के मैक्सिमम जगह में दिख जाएगा, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह सब एक जगह फेंका हुआ रहता है। और यहाँ पे अगर आप आते हो, अगर आपके पास कैश नहीं है, तो देख लो ATM वगैरह सब कुछ है, म्यूजियम, टॉयलेट भी है, टिकट काउंटर, सिगिरिया समिट सब कुछ है। और ये वॉक तो चलो नॉर्मल है, हमें जो अभी ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर की तरफ वो थोड़ा टफ है। ओके, गो एंड कम बैक 2400, जाना आना मिलाकर 2400 स्टेयर्स। आज तो भाई मेरा वजन पक्का कम होगा। लो जी, अभी रावण के लंका के इतने करीब हूँ मैं। सोचो एक टाइम में यहाँ पे रावण का लंका हुआ करता था, और यहाँ पे सिगिरिया म्यूजियम है, और यहीं से मुझे टिकट भी परचेस करना पड़ेगा। और काफी लोग मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे गाइड भी हायर कर रहे हैं। ये देख लो सिगिरिया म्यूजियम, यहाँ से हमें टिकट परचेस करना पड़ेगा, टिकट का रेट भी मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो देख लो ये काउंटर है, यहाँ पे एडल्ट का दिखा रहा है $30, चिल्ड्रन का $15। यहाँ पे देख लो टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है। वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे $30 एडल्ट्स, बट मेरा $15 क्यों लगा तो मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग आते हैं देख लो SARS कंट्री से। तो आप भी अगर इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, या फिर पाकिस्तान से हो, मतलब नेपाल वगैरह से आ रहे हो, तब आपका भी जो टिकट प्राइस है ना हाफ लगेगा, तो ये चीज आप माइंड में रखना। तो वैसे फॉरनर्स के लिए $30 है। बाकी यहाँ पे मैप्स वगैरह भी है, ये भी ले सकते हो आप, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। चलो अब जाते हैं, टिकट तो ले लिया हमने। यहाँ से अब एंट्रेंस है, काफी कुछ है यहाँ पे, पब्लिक टॉयलेट वगैरह सब कुछ है, कैफेटेरिया भी है यहाँ पे, ATM वगैरह सब कुछ है। ये जो है ना BOC, जैसे अपना बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक ऑफ सिलोन है। बाय द वे, श्रीलंका को पहले सिलन के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए यहाँ पे बैंक ऑफ सिलोन आपको बहुत जगह दिख जाएगा। आप बोल सकते हो यहाँ का मेन बैंक भी है ये। काफी लंबा वॉक करना पड़ेगा हमें आज, तो वो दूर में अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें रावण का पैलेस दिखना स्टार्ट हो भी गया है, लेकिन अभी काफी दूर है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ से हमारा एंट्री होगा, ये टिकट दिखाना पड़ेगा हमें। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, वेलकम। भाई साहब देख लो, एंटर करते ही सबसे पहले दोनों साइड ही आपको ऐसा छोटा छोटा लेक मिल जाएगा, ये बढ़िया है। मतलब एक होता था ना पुराने जमाने में, लाइक जैसे कि काफी लोग मतलब बनाते थे अपना जो पैलेस, तो चारों ओर ना ऐसे लेक टाइप का बना देते थे। देख लो, इस साइड भी लेक है, इस साइड भी लेक है, कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हमें देख लो ऊपर की तरफ जाना है, और काफी सारे मंकीज भी दिख रहे हैं हमें, तो फोन भी संभाल के रखना होगा। चलो भाई, एंट्री यहाँ से स्टार्ट होता है अपना।
लो जी हमारा चढ़ाई स्टार्ट हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ कुछ व्यू पॉइंट है, अभी तो हम लोग का नया नया जोश है तो जहाँ मन वहाँ चले जा रहे हैं। और आते वक्त आप यहाँ से रिटर्न नहीं करोगे, दूसरे साइड से रिटर्न करोगे, इसलिए यहाँ का जो भी प्लेस सब देखते हुए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से देख लो लायंस रॉक कितना क्लियरली दिख रहा है। ये देख लो पहले ये पूरा पैलेस हुआ करता था। तो देख लो जी मेरे सामने ये रावण का लंका, जो एक टाइम रावण का लंका हुआ करता था। और हमें अभी एकदम टॉप तक जाना है भाई, एकदम टॉप तक। लेट्स सी हमें ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 7:54। हम लोग थोड़ा घूमते घूमते जाएंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करते करते जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये काफी बढ़िया व्यू पॉइंट है, हमें तो आइडिया भी नहीं था। योर नेम ब्रदर? चंदन। हाँ चंदन, चंदन और संदन, चंदन चंदन। तो इन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप ये व्यू पॉइंट से घूमकर आओ। द लायन रॉक्स का जो नजारा है काफी बढ़िया दिखता है यहाँ से, तो वही हम लोग आ गए थे। अभी तक तो मजा आ रहा है, लेकिन ये मजा देखो कब सजा में बदलता है। और ये सब जो जगह देख रहे हो ना, जो कि अभी पूरा बंजर हो चुका है, ये सब जगह पे ना हर जगह ऐसा साइन बोर्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप पैर नहीं रख सकते। मतलब आप यहाँ से जा सकते हो, ये सब के ऊपर आप पैर नहीं रख सकते। अभी तक तो ये पूरा प्लेन रोड लग रहा है, असली जब ट्रैक स्टार्ट होगा, जब सीढ़ियां पूरा ऐसे हो जाएगा। फोटोज में तो काफी छोटा लगता था कि यार लंका तो इतना छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन जब इतने सामने से देख रहा हूँ ना, तब समझ में आ रहा है ये जगह बिल्कुल भी छोटा नहीं है, काफी बड़े जगह में फैला हुआ है। ये जो जगह अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो जगह हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, वहां पे आकर भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी देख लो ये पेड़ हटते ही आपको बढ़िया द लायन रॉक्स का नजारा दिखेगा। ऑल राइट जी, देख लो अभी आपको लायन रॉक्स कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है। मैं बता दूं ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, यही है द लायन रॉक्स एरिया। और यहाँ अभी हम लोगों ने आके गाइड भी हायर कर लिया है। योर नेम? माली। और इन्होंने मुझे बोला है कि आपको पूरा अच्छे से टूर करवा देंगे, $10 लेंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, इनका भी हेल्प हो जाएगा, अपना भी घूमना हो जाएगा। और वैसे भी मैं जल्दी कहीं पे गाइड वगैरह लेता नहीं हूँ, गूगल से सर्च करके जो होता देख लेता हूँ। मैं बोला नहीं, यहाँ पे जरूरत है हमें। टिकट लेके अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, तो वही अभी इनसे जानते हैं क्या है। मैं बता दूँ ये रावण का पैलेस ही है, बट रावण का जो पैलेस है ना वो अंदर के तरफ है, केव के साइड में। इनसाइड द पैलेस, दैट नॉट ही आउटसाइड, दैट इनसाइड द केव यूज द पैलेस। अंदर में केव है, उसके अंदर रावण का पैलेस हुआ करता था। सबसे पहले ये रावण का पैलेस हुआ करता था, फिर हो गया किंग कश्यप का पैलेस। तो देखो अब सबके बिलीव करने के ऊपर है कब किसका क्या पैलेस था। लगभग 1600 ईयर है यहाँ पे किंग कश्यप का ये पूरा पैलेस हुआ करता था। उनका पैलेस वगैरह कैसा था सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देख लो ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये पूरा वाटर फाउंटेन गार्डन हुआ करता था। या देख लो मार्बल ग्रेनाइट, मतलब समझ लो कितना साल पहले मार्बल ग्रेनाइट का यूज होता था। टॉप ऑफ द रॉक वाटर डाउन, दैट फॉर गार्डन, टेरेस गार्डन, बोल्डर गार्डन, वाटर फाउंटेन गार्डन, मिनीचर वाटर गार्डन। ओके, द वाटर डाउन यू कैन सी द नेचुरल प्रेशर, दैट रेनी सीजन यूज्ड द वन फाउंटेन 2 meters हाई प्रेशर नेचुरल। रेनी सीजन? यस रेनी सीजन, इन रिसेंट टाइम आल्सो? यस। ओके, तो अभी ये बता रहे हैं इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि बारिश के टाइम में ना ये नेचुरल फाउंटेन जैसा हो जाता है बारिश के टाइम। सोच लो पहले के लोग कितना एडवांस हुआ करते थे। हर जगह फाउंटेन है लेकिन काफी सारा डैमेज हो गया है अभी। देख लो ये नेचुरल फाउंटेन है, तो देख लो अभी धीरे धीरे अपना क्लाइंबिंग स्टार्ट हो रहा है। और स्टेप देख लो एक बार, ओ भाई ऐसे करते 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 अभी और ऊपर तक, वहां तक जाना है हमें। चलो कुछ फोटोज वगैरह ले लेते हैं। और ये सब जो भी फोटोज ले रहा हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे नाम भी है ऑक्टागनल पॉन्ड है यहाँ पे, मतलब काफी बढ़िया लाइक लोटस। या अच्छे स्मेल वगैरह के लिए काफी सारे फ्लावर्स यहाँ पे होते होंगे। और ना ये जो आप देख रहे हो द लायंस रॉक, ये जो आपको दिख रहा है, देख रहे हो नेचुरली ये एलिफेंट वाला शेप आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया एलिफेंट एंट्रेंस। हाउ मेनी एंट्रेंस गेट? थ्री। दैट फर्स्ट लायन, नो दिस इज द एलिफेंट। ओके, नंबर टू लायन। यस, अनदर डाउन एरिया कोबरा एंट्रेंस। तो यहाँ पे टोटल तीन टाइप का केव एंट्रेंस है। यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये एलिफेंट केव एंट्रेंस आप बोल सकते हो इसको। देखो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहा हो आपको नेचुरल वाटर पाइप दिख रहा है। तो देख लो मतलब वो जो पहले ऐसा इन्होंने डिजाइन किया था, जो पाइपलाइन है अंदर अंदर देख लो कैसे आया हुआ है, जो कि इधर गिरता था पानी सारा। और यहाँ पे वो केव का एंट्रेंस, चलो दिखाते हैं अभी आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर से। सीक्रेट बंकर, सोल्जर्स गॉट फाइंड, टू सोल्जर्स स्टे हियर। तो सोचो पुराने जमाने में यहाँ पे दो सोल्जर रहा करते होंगे, मतलब एंट्रेंस में, मतलब सिक्योरिटी के लिए। तो देख लो जी हम लोग तो जैसे अभी नया अपना, मतलब 2 stories, 3 stories, 5 stories, जितना भी बड़ा बिल्डिंग सब बनाते हैं वो पिलर देते हैं सपोर्ट के लिए। पुराने टाइम में देख लो अलग ही इंजीनियर था, इतना बड़ा जो रॉक्स है उसको ही इन्होंने पिलर की तरह यूज किया है। और देख लो कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने कटिंग किया है,
ताकि लाइक ब्रिक्स सब मतलब उसके अंदर आ जाए सपोर्ट के लिए. देख लो कितना बढ़िया सपोर्ट के लिए इन्होंने बनाया है. सोचो कितने साल पहले लोगों ने इसको कट किया है. मतलब अभी तो ऐसा ऐसा बिल्डिंग बनता है जो मतलब एक दो साल में ही गिर जाता है. यहाँ से देख लो हम लोगों ने क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से अब असली क्लाइंबिंग स्टार्ट है. देख लो ऊपर की तरफ, देख लो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी ऊपर तक क्लाइंब कर लिया है. थोड़ा बहुत थकान है लेकिन ठीक है. और यहाँ पे देख लो नेचुरल मतलब वो बोल्ड आच. नमस्ते. अगर आप देखोगे तो जैसे लगेगा वो जो होता है ना नमस्ते दोनों हाथ जोड़कर. आइयो बुआ. ओके. यहाँ का जो एंट्रेंस है ना पहले यहाँ से हुआ करता था जो कि अभी डैमेज हो गया है. ये जो पूरा देख रहे हो ना ये पूरा फ्लावर गार्डन एरिया है. और ये जो रास्ता देख रहे हो ना ये नया बनाया हुआ है. जो पुराना है वो ये वाला रास्ता देखो वही एकदम खड़ी चढ़ाई है. तो ये फिर भी अच्छा है. ओके लेट्स गो टू द समिट. तो चलो हम लोग समिट की तरफ बढ़ रहे हैं. अभी अभी तक तो ठीक ही लग रहा है लेकिन अभी ऊपर पहुंचने में काफी टाइम है. देखते हैं ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है. ये जो ट्री देख रहे हो ना ये नेचुरल ब्लैक कलर इसी में से निकलता है जो पहले के टाइम में यूज करते होंगे लोग. ये कुछ एबेनी ट्री है. ये जो स्टेप देख रहे हो ना ये चढ़ने में बैंड बज गया भाई. उतरना तो फिर भी काफी ईजी है लेकिन चढ़ने में बैंड बज गया. ऊपर तक जाना है भाई साहब. भाई थोड़ा सा अभी रिलैक्स हो रहा है ऊपर आके. ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना ऐसे बॉक्स बॉक्स जैसा बना हुआ है. यहाँ पे पहले सोल्जर रहते थे ताकि अगर कोई एनिमी आ रहा है ना तो उनको देखने के लिए लाइक वॉच टावर जैसा होता है ना वैसे ही. और वहाँ अगर आप देखोगे ना तो जो रॉक से बड़ा वाला जो चट्टान है वो थोड़ा कटा हुआ है. अगर कोई भी एनिमी अगर आता था ना तो वो देखो क्या करते थे उसको हटा देते थे और ये पूरा पत्थर नीचे की तरफ गिर जाता था. ये रॉक बीच से कटा हुआ है. छोटा छोटा पिलर भी आपको दिख रहा होगा अंदर. और अभी तो भाई साहब अभी बहुत ऊपर जाना है हमें. देख लो मैं सच बता रहा हूँ अगर ये 2 महीना पुराना वाला मोहित होता ना जो डाइटिंग वगैरह कुछ नहीं करता था तब तो मैं यहीं पे अभी बोलता कि चलो हो गया देख लिया हमें अब जाना है घर. तो अभी हम लोगों ने ये वाला स्टेयर चढ़ के अभी यहाँ तक पहुँचा है और ऊपर बहुत तेज हवा चल रहा है. पता नहीं मेरा ऑडियो आ रहा है. हाँ तो अभी और ऊपर तक जाना है हमें. ऑलराइट जी ऑलमोस्ट हम लोगों ने 850 स्टेप्स कवर कर लिया है. अभी और लगभग 350 बचा हुआ है. बाकी अभी और देख लो टॉप पे जाना है हमें यहाँ से ऐसे. अभी टाइम लगेगा भाई अभी और 350 स्टेप बचा हुआ है. ऑलराइट तो देख लो यही मैं बता रहा था आपको. ये जो दो नीचे देख रहे हो ना पाँव वो जो एनिमल का फुट होता है. तो देखो जो किंग कश्यप पे बिलीव करते हैं इस सब जगह पे तो वो मानते हैं कि ये जो पाँव है ये आपका लायंस का है. और जो रामायण पे बिलीव करते हैं वो बोलते हैं कि ये गरुड़ा का पाँव है. तो आप कमेंट करके बताओ आपको ये किसका पाँव लग रहा है. पाँव मतलब वही PAW आप सर्च कर लेना फुट जिसको बोलते हैं. वैसे यहाँ पे बोला जाता है कि नेचुरल पूरा वो लायन का बॉडी था. लायन का जो मुंह होता है ना वहां से एंट्री होता था लेकिन क्लाइमेट सीजन के वजह से वो अब पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है. बस नीचे का पांव बचा हुआ है और अभी हमें ऐसे 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 फिर ऐसे. ऑलराइट तो देख लो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं. अभी और हमें वहाँ तक पहुँचना है. पीछे थोड़ा लाइन लग चुका है जाते ऊपर की तरफ. ऑलराइट तो देख लो जी ऑलमोस्ट टॉप पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं. बस हमें वहाँ तक पहुँचना है. वही किंग कश्यप का पैलेस था वहाँ पे. और जो आप बोल रहे हो ना रावणा पैलेस वो केव के अंदर है. मतलब इसके अंदर में कहीं पे वो किंग कश्यप से भी पहले था. वो जो सामने में आपको छोटा सा माउंटेन दिख रहा है ना वो पित्तू रंगला माउंटेन है. काफी लोग वहाँ भी ट्रैक करके ऊपर तक जाते हैं. वहाँ से मैंने देखा है काफी बढ़िया इसका व्यू दिखता है. ये द लायन रॉक्स का ना काफी बढ़िया व्यू दिखता है. तो ये जो देख रहे हो ना ये मतलब पुराने जमाने का वाटर टैंक हुआ करता था जहाँ पे पीने का पानी कलेक्ट होता था. बारिश हो जाए तो बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता था. अगर इनकेस बारिश नहीं हुआ तो सामने में ही एक लेक है. इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था ना ग्रेनाइट पत्थर से. वो जो व्हील्स होता है ना व्हील्स ग्रेनाइट के हेल्प से ऊपर ऊपर करते करते पानी को यहाँ तक पहुँचाया जाता था अगर बारिश नहीं होता था. तो कुछ ऐसा सिस्टम होता था यहाँ पे. ये सब देख के मैं सोच रहा हूँ ये कैसे पहले यूज होता होगा. एक बात तो बोलना पड़ेगा भाई पहले के लोग काफी एडवांस हुआ करते थे. और एक चीज मैंने नोटिस किया है जब आपके पास जुगाड़ कम होता है ना तब आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है. जब आपके पास सब कुछ का जुगाड़ हो जाता है ना तब आपका दिमाग भी ना काम करना स्लो हो जाता है. मैंने एक चीज है. बाकी यहाँ तक का जो ट्रैक था थोड़ा सा टायरिंग था ये तो बोलूंगा मैं. वो जो छोटा सा आपको होल दिख रहा है ना ये वही टनल है जो मैंने आपको नीचे की तरफ दिखाया था जहाँ से वाटर ड्रेन होता है. तो देख लो ये वही टनल है भाई. क्या सिस्टम था पहले यार. फाइनली अभी हम लोगों ने 1200 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है. लवली मेरे से ज्यादा स्टेप्स कंप्लीट किए. पूछो कैसे. इधर आओ देख लो ये 1 ये 2 हो गया तुम्हारा 1202 स्टेप्स. इसको तो हमेशा टॉप पे ही देखना चाहते हैं तो इसलिए इसको टॉप पे रखें. फाइनली 1202 स्टेप्स लवली ने कंप्लीट किया और मैंने 1201 स्टेप्स. तो अभी हम लोग टॉप पे हैं. देख लो पहले का लोगों का रुतबा ही अलग होता था. जिसके लिए हम यहाँ पे मेनली आए हैं रावण का गोल्डन पैलेस के लिए. तो जो रावण का गोल्डन पैलेस था ना ऐसा ये लोग बता रहे हैं इसके अंदर की तरफ था. अंदर की तरफ केव है जो कि अब जाना पॉसिबल नहीं है. मतलब गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है उसको पता नहीं क्यों. कुछ तो डैमेज हो गया है या क्या पता नहीं मेरे को. तो वो अंदर के तरफ है. तो अभी फाइनली मैं रावण के लंका पे खड़ा हूँ. याद करो इसी जगह को हनुमान जी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था. और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है देखो टॉप से भाई साहब. तो ये जो आप देख रहे हो ना पूरा जंगल एरिया ये नेशनल पार्क है यहाँ का मिन्नेरी नेशनल पार्क.
जहाँ मेरा प्लान हो रहा है, यहाँ से डाउन होने के बाद जाऊँ मैं घूमने के लिए, थोड़ा सा जंगल सफारी भी करूँ। और ये जो आपको बिग माउंटेन्स दिख रहा है ना, तो ये सब के पीछे ही आपका कैंडी, नुआरा एलिया, एडम्स पीक, सब ये सब के पीछे ही है। रितगल आयुर्वेदा माउंटेन। अच्छा, वो जो सामने दिख रहा है वो आयुर्वेदा माउंटेन है। अच्छा, अनुराधापुरा। ओके, ये बोल सकते हो श्रीलंका का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो यहाँ जरूर आना। इंडियंस के लिए $15 है पर पर्सन। अगर आप फॉरेनर हो, फॉरेनर तो मैं भी हूँ लेकिन मैं इंडियन हूँ, तो इसलिए मेरा लाइक $15 लगा। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा देख लो 360 घूम जाता हूँ मैं, कुछ ऐसा नजारा है यहाँ से। ये तो यहाँ तो बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, पता नहीं मेरा ऑडियो आ रहा होगा कि नहीं। देख लो, हम लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से होते हुए अभी हम लोग पूरा टॉप तक गए थे वहाँ तक। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग टॉप पे तो आ गए, धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और यहाँ जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, ये किंग कश्यप का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस टाइम में। भाई देखो कितना बेहतरीन तरीके से ऊपर में बनाया हुआ है। तो ये ज्यादा नहीं, ये बस 2 मीटर डीप था, ये देख लो, आपको वहां से भी आइडिया लग रहा होगा। और मैंने बताया आपको, पानी जो सप्लाई है ना, अगर मान लो बारिश हो गया तो ठीक है, अगर बारिश इनकेस नहीं होता था ना, तो ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है, ये पहले गांव नहीं था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक लेक हुआ करता था, वहां से वो व्हील्स के तरीके से पानी को ऊपर पहुंचाया जाता था। तो भाई देख लो, कुछ ऐसा था स्विमिंग पूल यहाँ का। तो ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे लाइक ये डांसिंग एरिया था, जैसे होता है ना, जैसे राजा रानी यहाँ पे बैठे रहते थे, बगल में कोई मसाज दे रहा है, दो लेडीज साइड में खड़े होकर जो पंखे से हवा देती थी, यहीं पे बैठते थे किंग एंड क्वीन, साथ ही जो किंग थे ना, ये नजारे देखते हुए एंजॉय करते थे सब कुछ। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। भाई जितना भाई चढ़ना डिफिकल्ट है, उतना उतरना भी डिफिकल्ट है। ये सामने वाले जो फॉरनर भाई साहब है, ये उतर ही नहीं पा रहे, एकदम धीरे धीरे उतर रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम लोग भी उतर रहे हैं। चलो, उनके वजह से थोड़ा रेस्ट मिल जा रहा है हमें, नहीं तो फटाफट भागना पड़ता। कैसे हम लोग ऊपर की तरफ आए भाई, अभी मैं सोच रहा हूँ एकदम ऐसे। अभी काफी हद तक नीचे आ गए हम लोग, नीचे आना थोड़ा ईजी है, लेकिन ये बच्चा भी डर रहा है थोड़ा नीचे उतरने में। तो देख लो, अगर आप अपने बच्चे को साथ में लेकर आ रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लेकर आना। ऑलराइट जी, देख लो अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर चुके हैं। और ये देख लो, यही मैं बोल रहा था, आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये किसका पैर लग रहा है। तो आने के लिए देख लो, हम लोगों ने ये वाला रास्ता लिया था, अभी एग्जिट के टाइम में हम लोग उतर के ये वाला रास्ता ले रहा है। देख लो, एग्जिट आपका यहाँ से होता है, आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो अगर आपको यहाँ से करना है तो, बट हमारे ड्राइवर उस साइड है और हम लोग थोड़ा वो पेंटिंग देखते हुए जाएंगे जहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। इसको शायद मिरर वॉल बोलते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे लाइक ऐसा कुछ पेंटिंग किया हुआ था जो मतलब इस पर रिफ्लेक्ट करता था, इतना साइन करता था। अभी तो खैर डैमेज हो चुका है, ये उतना साइन नहीं कर रहा है। तो ये जो वॉल है इसको मिरर वॉल बोलते हैं। ये सारा वार्निंग है, देख लो, टचिंग कॉजिंग डैमेज, ₹50,000 भाई फाइन दे देना अगर कुछ गलत किए तो। और अभी देख लो, हमें कुछ ऐसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ओ भाई, हाँ जी, तो पीछे से वो जो आर्ट गैलरी था ना, हम लोग देख कर आ गए हैं। एक्चुअली वहाँ पे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कुछ दिखाया नहीं आपको। जो पहले की जो रानी लोग होती थी ना, उन्हीं का आर्ट है अंदर में। इस वक्त मैंने आपको एक नमस्ते रॉक दिखाया था, नमस्ते रॉक। और ये देख लो, नंबर 2 है, ये एग्जिट के टाइम में आता है। तो देखा आपने, चलो अभी नीचे की तरफ उतरते हैं। ऑलराइट, तो देख लो, पहले के टाइम में जो पैलेस था ना, ऐसा ही कुछ हुआ करता था, मतलब एक बनाकर दिखाया गया है। और ये देख लो, सबसे मेन ऐसा ही था पहले ये पैलेस, जो मैं अच्छे से होटल रूम जाके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ ले ले रहा हूँ, ये पूरा जो कार्ड है ना, ₹1000 का है, मतलब 1000 श्रीलंकन रुपीज। ऑलराइट, तो देख लो अभी हम लोग नीचे की तरफ उतर गए हैं, वहाँ से हम लोगों ने पोस्ट कार्ड लिया। और यहाँ पे वो जो मैंने दिखाया था ना ब्लैक ट्री, तो एलिफेंट भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे देख लो कोबरा डांस, तो यहाँ पे देख लो कोबरा डांस भी दिखा रहे हैं ये। भाई इसको देखो कैसे देख रहा है कोबरा हमें। No, कोबरा को फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ भाई। भाई ने हमें अच्छे से घुमाया, मालिन नाम है इनका, इसका नंबर दिखा दो। और ये इनका नंबर है, देखो, जब भी श्रीलंका आते हो अगर आप यहाँ का लोकल नंबर कोई भी लेते हो, इनको कॉल कर सकते हो अगर आप सिगिरिया आ रहे हो तो। काफी बढ़िया गाइड किया इन्होंने, मतलब काफी अच्छे से समझाया, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझाया। नाइस टू मीट यू ब्रदर। और क्या चार्ज है क्या नहीं, वो सीजन पर डिपेंड करता है, आप इनसे ही पूछ लेना जब भी आओगे। ओके भाई साहब, एक बात तो है, श्रीलंका में लोग काफी अच्छे, मैंने अभी तक देखा है लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। मैं बता दूँ, गाइड के लिए मैंने पे किया था
$10 जो कि श्रीलंकन रुपीस में होता है 3000 लंकन रुपीस। यही शायद अपना कार है मे भी। अभी जा रहे हैं होटल के तरफ रेस्ट करके फिर से हमें निकलना है। ऑलराइट जी, अभी हम लोग आए हैं अपने रूम में और भाई साहब अच्छा खासा थकान हो गया वैसे तो। खैर कोई बात नहीं, ये जगह हमें विजिट करना था। और एक चीज ना मैंने नोटिस किया, मैं बाहर नहीं बोल पाया आपको, अभी बोल रहा हूँ। जो वहाँ पे हम लोगों ने गाइड हायर किया था ना, और जो भी मतलब लोग थे, मतलब जो वहाँ के लोकल थे, रावण के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे ये था वो था, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे। जब मैं पूछ रहा था तो बता रहे थे हाँ वो जो केव है उसके अंदर ही रावण का पूरा पैलेस था, मतलब वो सिकरिया जो रॉक्स उसके अंदर कोई केव था वहीं पे रावण का पैलेस ऐसा, और उसके अलावा और ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं दे रहे। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों के बिलीव के ऊपर है। जैसे कि उन्होंने ना पूरा जो हमें बताया वो किंग कश्यप के बारे में बताया, ऊपर उनका बेडरूम था, स्विमिंग पूल था, तो वही चीज है। लेकिन हाँ उन्होंने भी ये बात एडमिट किया कि ये जो जगह था किंग कश्यप से भी पहले वो रावण का गोल्डन पैलेस था। बाकी यहाँ पे वैसे काफी लोग मानते हैं, अपना जो इवन ड्राइवर भी है वो भी बता रहा था हमें कि ये जो जगह है यहाँ पे पहले रावण का पैलेस हुआ करता था। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या लिया है। ऑलराइट तो देख लो, एक तो ये मैंने लिया जो मैं बता रहा था ना, ये मैजिक बॉक्स है। ये कैसे खुलता है कैसे नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक ही बार जब मैं इसको खोल देता हूँ तब दिखाता हूँ। ये देख लो, मैं गारंटी देता हूँ ये मैं किसी को भी दे दूंगा वो खोल नहीं पाएगा। इसका जो खोलने का जो मैकेनिज्म है ना वो एकदम अलग ही है। छोड़ो इसको तो बाद में दिखाता हूँ मैं। बाकी इसके अलावा ये हम लोगों ने लिया है पोस्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, काफी सारा कुछ है देख लो यहाँ पे। और इसके अलावा देख लो काफी सारा हम लोगों ने मैग्नेट्स भी लिया है घर के लिए। तो हाँ फिलहाल यही कुछ लिया हम लोगों ने। और रहा बात इसका, तो रुको मैं इसको खोल के दिखाता हूँ अभी। तो देख लो जी कुछ ऐसे खुलता है ये। अब इसके आगे का क्या सीन है क्या नहीं ये जब आप इधर आओगे ना तो ये अपने लिए जरूर लेना, काफी सही चीज है ये। तो होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा। और भाई साहब काफी ज्यादा मेहनत लग गया ऊपर जाने में, 1200 सीढ़ी चढ़ना उतरना। और एक बात है कि आपको लग रहा होगा कि चलो चढ़ना तो थोड़ा हार्ड होगा उतरना इजी होगा, उतरना भी थोड़ा टफ है क्योंकि कभी कभी ना एकदम पतला पतला सीढ़ी है, पैर ध्यान से नहीं रखोगे ना तो कहीं बस दिक्कत हो जाएगा। और वो भी एकदम खड़ा सीढ़ी है, वो आपने देखा ही होगा। खैर कोई बात नहीं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ना वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके जानने वाले 4-5 लोग भी देखें कि हाँ श्रीलंका में रावण का लंका ऐसे जगह पे था और यहाँ पे था, तो उनको भी काफी कुछ जानने को मिलेगा और आपको भी काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हाँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो ये वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।